क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की कितनी भी टर्म होगी, मीन्स एन, इस सीरीज की कितनी भी टर्म होगी जो के फर्स्ट टर्म इज माइनस सेवन, सेकेंड टर्म इज माइनस फाइव, थर्ड टर्म इज माइनस थ्री अप टू 65, यानी कि 65 इस सीरीज की कितनी भी टर्म होगी, यानी कि दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड, थर्ड, एंड कहीं रस्ते में आएगा हमारे पास 65, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, अगर ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और 65 वाली टर्म कहाँ पे होगी, यानी कि ये हमारे पास क्या, उसने पहले ही दे दिया, उसने अब हमें दे दिया SN, SN हमारे पास गिवन है 65, यानी कि इस सारी सीरीज की जो टर्म है वो है 65, ठीक है। 65 वाली टर्म कौन सी होगी, यानी कि कौन सा नंबर होगा, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, कौन सी वाली टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी, हाउ मैनी टर्म, विच टर्म इज, यानी कि विच वैल्यू ऑफ एन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पे हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, माइनस सेवन है, माइनस फाइव है, एन माइनस थ्री है। फर्स्ट टर्म इज माइनस सेवन, डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड टर्म में से हम ऐसा करते हैं, माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को, और इसी तरह 60 क्या कंसीडर किया जाएगा, यानी कि 65 लास्ट टर्म है, लेकिन कौन से नंबर पे, 65 इस सीरीज में, सीरीज तो आ रही है 65, इनमें नंबर आ रहा है, लेकिन वो कौन सा नंबर है, विच टर्म है, हाउ मैनी टर्म्स है, कौन सी वाली टर्म होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एस एन की वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी, 65, और हमें बोला क्या गया है, टर्म फाइंड आउट करें, नंबर फाइंड आउट करें, कौन सा वाला नंबर है, तो हमें एन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू स्पोर्ट करते हैं, सीरीज का फार्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल टू हमारे पास है एन ओवर टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 2a1 आएगा, 2a1 आएगा प्लस n माइनस वन आएगा इंटू डी आएगा, ठीक है। एस एन आप देखें, एस एन 65 उसने हमें बता दिया था कि भाई जो लास्ट टर्म है 65 एक लास्ट टर्म है, उसको फाइंड आउट करना है वो कौन से नंबर पे है। एस एन क्या कंसिडर किया जाएगा, 65 इक्वल टू n फाइंड आउट करना है n ओवर 2, 2 फर्स्ट टर्म इज माइनस सेवन, प्लस एन हमारे पास क्या है, एन नो गिवन, ओके, डी हमारे पास क्या है, डी तो फाइंड ही नहीं किया, यहाँ पे सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, माइनस फाइव, माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस सेवन, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस सेवन इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी कि डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 65 इक्वल टू एन, वट इज एन, नॉट गिवन, ओके, एन ओवर 2 माइनस 14 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल 65 इक्वल टू एन ओवर 2, सिंप्लीफाई किया कॉन्स्टेंट को तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 16 प्लस 2n, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, सिंपल 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 65 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 65 प्लस 65 इज इक्वल टू 5, और 5 इधर आ जाएगा 130 एन माइनस 16 प्लस 2n, एन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 16 एन प्लस 2n का स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम ऐसा क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगर सीक्वेंस में लेके जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n का स्क्वायर माइनस 16n माइनस 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 130 इक्वल टू 0। इन सब में क्या चीज़ कॉमन है भला, इन सब में हमारे पास कॉमन है 2, अगर हमारे पास 2 कॉमन आता है तो हमारे पास क्या बचता है, n का स्क्वायर माइनस 8n माइनस 65 इक्वल टू 0, 2 इधर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड n का स्क्वायर माइनस 8n माइनस 65 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास तीन तरीके हैं,
The first one is, and the simplest way is factorization. Factorization अगर हम इसकी करें तो हमारे पास क्या आएगा, 65. 65 को किसी ऐसी दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 30 × 5 = 65 होता है शायद. 30 × 5 = 65, ओके. और अब अगर हमारे पास इनके साइंस अगर बदल दिए जाएं तो हमें क्या मिलना चाहिए, -8. हम ऐसा करते हैं, -13 + 5 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी फैक्टर में मिडल टर्न ब्रेक हो गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन का स्क्वायर -13 n + 5 n = -65 = 0. यहाँ पे फोर वैल्यूज हैं, दो दो वैल्यूज का पेयर बनाइए. 3n का एक पेयर बनाया +5 n - 65 का एक पेयर बनाया, देन कॉमन लिया, n कॉमन आ जाएगा, n - 13 + 5 कॉमन आ जाएगा, n - 13 = 0. इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ गई, -13 and n + 5 = 0. ये दोनों प्रोडक्ट किसके इक्वल हैं, जीरो के इक्वल किया, n + 5 = 0, n = 13 and n = -5. नेगेटिव टर्म को सीक्वेंस में नहीं लेते, हमारे पास क्या आएगा, n = 13 आएगा बस. अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ. चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं. इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं. एक्सरसाइज 1.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं. अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे, दो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बस. आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 के. अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs भी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, आपको ये PDF फाइल मिलेगी MCQs की. सोल्विंग MCQs भी आपको मिलेंगे और आपको अनसोल्विंग MCQs भी मिलेंगे ऑप्शन के बगैर भी. अगर आपको MCQs चाहिए, MCQs की वीडियोस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी. और हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 की, अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहां से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे कर देना बस. इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमारे पास वीडियोज अवेलेबल है. अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, चैप्टर नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में. अगर हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs की बात करें तो आपको ये फाइल मिल जाएगी PDF फॉर्म में. सोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और अनसोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और MCQs की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी. अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3.1 से लेकर 3.5 तक की आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी. 3.1 देख लें, 3.2 देख लें आप, इसी तरह 3.3 की भी सारी की सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी. इसी तरह आपको 3.4 की सारी वीडियोस मिल जाएंगी. इसी तरह आपको 3.5 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं. अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक, ये वाला जो लिंक है ऊपर, ये वाला जो लिंक अपने व्हाट्सएप पर कैसे मंगवाना है. अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में 4.1 देख लें, 4.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं. इसी तरह 4.5 देख लें, 4.5 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.6 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.7 की कंप्लीट हमारे पास वीडियोस हैं. अगर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. अगर हम MCQs की बात करें तो आपके सामने MCQs भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में. इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5.1 देख लें, 5.2 देख लें, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs हैं. चैप्टर नंबर 6 देख लें, 6.1 से लेकर 6.11 तक वीडियोस अवेलेबल हैं. अगर हम 6.1 की बात करें तो 6.1 की कंप्लीट वीडियोस हैं. इस तरह 6.4 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हैं.
इसी तरह 6.6 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह आपके पास एमसीक्यूज़, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग आता है। इसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9.1 एंड 9.2 एंड 9.3 एंड 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोज हैं। इस तरह 9.3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। 10.2 की भी कंप्लीट वीडियोज आपको मिल जाएंगी, 10.3 की भी आपको कंप्लीट वीडियोज मिल जाएंगी, 10.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.1 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, एमसीक्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 भी है, 12.1 से लेकर 12.8 तक की कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 देख लें, 13.2 देख लें, 13. इसी तरह 14 चैप्टर में अगर आपको दिखा दूं तो आप 14 चैप्टर आप देख लें, 14 चैप्टर की कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये कंप्लीट लिंक चाहिए जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, याद रखें YouTube पर ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अपलोड नहीं है। आपको YouTube से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास अगर ये लिंक है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट कोर्स आपको आपके व्हाट्सएप पर ये लिंक दे दिया जाएगा। नो एकेडमी, आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। नो मैथ्स ट्यूटर, आपको मैथ्स के भी ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज़। आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक ये मिलेगा। अभी इस नंबर पर 03234516277 पर जैस कैश करवाएं या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।